मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई अब हादसों का शहर बनता जा रहा है, क्योंकि मुंबई में रोजाना सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण ये भी हो रहा है, ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार, कहीं ना कहीं जो अनियंत्रण हो जाती है गाड़ी, इसके कारण बहुत से हादसे हो रहे हैं। ऐसी बीती रात मुंबई के साइन हाईवे पर एक हादसा सामने आया, जहां पर 5 लोग जल गए थे और इसमें 2 लोग मर चुके हैं। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है, मानकुर के रहने वाले 5 युवक जो पहले घाटकोपर में जाके पार्टी करते हैं, उसके बाद में वो घूमने के लिए मरीन ड्राइव के लिए निकलते हैं कार में, और उसके बाद में कार इतनी तेज़ रफ्तार थी कि साइन में एक डिवाइडर में टकरा जाती है और कार का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और कार में आग लग जाती है, क्योंकि कार सीएनजी, इसके लिए कार में आग लग जाती है, जिसके बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई जाती है और उन लड़कों को बाहर निकाला जाता है। जब तक उसमें 2 लड़के जो भाई थे, 2 भाई आपस में अजय और प्रवीण, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, और जो 3 लोग हैं वे बेहद गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उनका उपचार चल रहा है साइन अस्पताल में। अब देखना ये रहेगा इस तरीके के ओवर स्पीडिंग पे ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काबू पर लगाती है, क्योंकि इसमें हाई चार्ज भी रखा गया, हाई फाइन भी रखा, इसके बावजूद इस प्रकार से ओवर स्पीडिंग लगातार देखने मिलती है और इसके बाद में कई नौजवान अपनी जान को गंवा देते हैं। इसी तरीके से प्रवीण और अजय ने अपनी इस सुहाने सफ़र को अंतिम सफ़र में तय कर लिया था, और जो 3 लोग हैं अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस किस तरीके से सख्त जांच करके कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन अमान के साथ जैन से, मुंबई टीवी।